आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज कुमार व्याख्याता। काफ़ी दिन हो गए हमें टॉपिक नहीं आ रहे थे, बोर्ड ने भी हमारा सिलेबस कम कर दिया। आज हम कक्षा 12 का पार्ट नंबर जो सेकंड पार्ट है उसकी थर्ड इकाई का प्रथम पार्ट, वैसे देखें तो हम 24 नंबर का पार्ट है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, उसके अंदर उस नीट में प्रथम टॉपिक है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता कास्टिज्म एंड कम्युनिकेशन। वीडियो को पूरा देखें, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो हम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल मनोज कुमार यादव। आज हमारा टॉपिक है ये जातिवाद और सांप्रदायिकता कक्षा 12 का, कि जाति एक सामाजिक कास्टिज्म, व्हाट इज कास्टिज्म। सबसे पहले हम कास्टिज्म की बात करें, जाति एक क्या है सामाजिक संरचना, जाति क्या है एक सामाजिक संरचना है, जाति एक सामाजिक संरचना, जाति क्या है एक सामाजिक संरचना है, जाति एक सामाजिक संरचना है। यानी प्राचीन काल से हमारे भारत में जाति चलती आ रही है और जातियां कुछ विशेष वर्ग के लोग मिलके जातीय भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जाति और जातिवाद का स्वरूप। भारत में जाति चिरकालिक सामाजिक व्यवस्था है, चिरकालीन यानी बहुत समय से पहले से ही भारत के अंदर जाति व्यवस्था है। भारत में वर्ण व्यवस्था कर्म व व्यवसाय पर आधारित थी, भारत की जाति व्यवस्था कर्म और व्यवसाय पर आधारित थी, यानी जाति व्यवस्था थी भारत में, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था। जो आज के समय में जाति व्यवस्था से क्या बन गया, जातिवाद की भावना, जो जातिवाद से देश की एकता और अखंडता को चुनौती है, जो सांप्रदायिकता की फूट डालो राज करो की नीति थी, जो इसका भी अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया था और अंग्रेजों ने 1932 में सांप्रदायिक पंचांड जारी किया था। बच्चों सांप्रदायिक पंचांड 1932 में जारी किया गया था, इसमें ये कहा गया था कि जो दलित वर्ग है उनको हिंदुओं के आरक्षण से अलग आरक्षण का प्रावधान था, यानी दलितों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। गांधी और अंबेडकर के बीच इनमें पूना समझौता हुआ, जो पूना समझौता के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ ये सांप्रदायिक पंचांड से संबंधित था। के एन मेनन ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। कई बार पूछा जाता है कि किस महोदय ने कहा है कि जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है, तो वो आ जाएगा के एन मेनन। मॉरिस जॉनसन ने कहा कि जाति का राजनीति और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया, दोनों के लिए, यानी राजनीति को भी जाति चाहिए और जाति को भी राजनीति। जातिवाद से प्रभावित, जातिवाद से क्या क्या प्रभावित होता है, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है, अपितु राजनीति भी सर्वाधिक प्रभावित करता है। यानी जाति से केवल सामाजिक आर्थिक धार्मिक प्रवृत्तियां ही प्रभावित नहीं होती, राजनीति भी इससे प्रभावित होती है। अब जाति का अर्थ की हम चर्चा कर रहे हैं कि जाति का क्या अर्थ होता है, जाति का क्या अर्थ होता है। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तब उसे जाति कहते हैं। यानी एक ऐसा वर्ग जो आनुवंशिक आधार हो, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक जाति के लोग जन्मे हो और दूसरी जाति के लोग भी उसी के अंदर
दूसरी जाति के लोग भी, सॉरी एक जाति के लोग तो उसी जाति के लोग जो भी बच्चे जन्म लेंगे तो वो भी उसी जाति के कहलाएंगे। जैसे कि परंपरागत ये हमारी व्यवस्था थी, वे जाति उसी समूह के लोग, जाति के लोग अपने विवाह संबंध भी अपनी परिधि में करते हैं, परंपरागत व्यवस्था है। इसी तरह हिंदू में भी व्यवस्था है जाति की, मुस्लिमों में भी जाति की व्यवस्था है और ईसाइयों के अंदर भी जाति की व्यवस्था है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए जयप्रकाश नारायण महोदय ने कहा कि जाति भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। कोई पूछा जाए कि आपको कि ये किस विद्वान ने कहा था कि जाति भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है, दल अकेला नहीं अत्यधिक महत्वपूर्ण दल, जयप्रकाश नारायण ने। कोई भी सरकार है उसकी निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका होती है। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय लिया जाता है। यानी ये बिंदु आपको क्या कह रहा है, देखिए कि राजनीति में प्रत्याशियों का चयन कोई भी पार्टी जाति के आधार पर करती है। किस जाति का यहाँ ज़्यादा वोट बैंक है उसी को प्रत्याशी ज़्यादा बनाती है। जातिगत आधार पर ही क्या किया जाता है दोस्तों, मतदान। मतदान भी जाति के आधार पर, जनता भी जाति के आधार पर। मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व, यानी सरकार है वो भी मंत्रिमंडल बनाती है तब सोचती है कि हम सभी जातियों का समीकरण बनाएं, संतुलन बनाएं। जातिगत दबाव समूह बनते हैं, जातिगत दबाव समूह, जातियां एक दबाव समूह का भी कार्य करते हैं। मेयर महोदय ने क्या कहा है, मेयर ने कहा कि जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में परिवर्तित हुए हैं। जाति है वो प्रशासन पर अत्यधिक प्रभावी होती है। जाति क्या होती है, प्रशासन पर अत्यधिक प्रभावी होती है कि प्रशासन के अंदर भी जातियों को आरक्षण दिया गया है, जिस तरह से ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो ये भी प्रभावित होते हैं। राजस्थान में जैसे कि विभिन्न जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं। राज्य राजनीति में जाति, राज्य की जो राजनीति होती है उसके अंदर जाति, जैसे कि हर राज्य में अलग राजनीति होती है। जैसे बिहार में जाति की राजनीति है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान, इनमें जातिगत की गणित गणना किए बिना हम कोई भी कुछ नहीं कह सकते। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिगत राजनीति की एक मिसाल बन चुकी है। चुनाव प्रचार में के अंदर भी जाति का सहारा लिया जाता है। चुनाव प्रचार में भी किसका सहारा लिया जाता है, जाति का सहारा, कि राजनीतिक दल किसी भी उम्मीदवार को चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं। यानी जिस भी क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य होता है उसी क्षेत्र में उसी जाति के मंत्री को भेजा जाता है। जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय, जो लोग जातीय संगठन में उच्च पदों पर पहुंच गए हैं वे ही राजनीति में अच्छा स्थान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग जातीय संगठन में अच्छे पद हैं वही राजनीति में आ जाते हैं, और ऐसे लोग राजनीति में खुलकर जातिवाद का सहारा न लें, पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूलते हैं। जिस तरह से किसी जाति का अध्यक्ष है, यानी जिस भी जाति का संगठन होता है उस जाति के लोग जो उच्च पदों पे होते हैं वो ही राजनीति के अंतर्गत अधिक जाते हैं। अब जब जातिगत राजनीति की ये हमने भूमिका पढ़ी थी भारतीय राजनीति में, अब इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। यानी जातिगत राजनीति की विशेषताएं पढ़ेंगे हम। सबसे पहला है, जातीय संघों अथवा संगठनों ने जातिगत रूप में महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। जातीय नेतृत्व जातीय हिंसों के मुद्दे को उठाकर जाति में अपना समर्थन बढ़ाकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, कोई भी जातीय संगठन है
वो जाति के मुद्दे को उठाकर अपने जातीय मुद्दे को ही विशेष महत्व बनाकर अपनी जाति के लोगों का समर्थन प्राप्त करते हैं। शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकरण तथा लोकतंत्रीय व्यवस्था के बावजूद जातिवाद की भावना एवं एकीकरण को बल मिला है। कहने का तात्पर्य, हमारी खूब अच्छी शिक्षा है, शहरीकरण, शहरों में भी जा रहे हैं लोग, उद्योगों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, आधुनिकरण है, सारी व्यवस्था, इसके बाद भी जातिवाद की भावना बढ़ रही है। नंबर तीन, क्षेत्र विशेष में कोई जाति विशेष राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली एवं शक्तिशाली होती है, यानी कि शेष विशेष क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति ज़्यादा प्रभावी होती है। नंबर चार, जाति एवं राजनीति के संबंध गतिशील होते हैं, सदा एक जैसे नहीं होते हैं, यानी जातियां हैं वो राजनीति के अंदर कभी किसी सरकार का समर्थन, कभी किसी सरकार का समर्थन, यानी उनके संबंध ऐसे किसी विशेष दल से नहीं होते हैं, वे जातियां केवल और केवल अपना फायदा देखते हैं। जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर राजनीति का क्या हो रहा है, जातीयकरण, यानी जाति के जो राजनीति में जुड़ रहे हैं उसी तरह स्थानीय लोग भी राजनीति का क्या कर रहे हैं, जातीयकरण करने हैं, जाति से जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जातीयकरण। अब इसके हम विशेषताएं थी, विशेषताओं में हम सकारात्मक भी पढ़ेंगे और नकारात्मक भी इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब है इसके पॉजिटिव, सकारात्मक की बात करें अपन, कि जाति एवं राजनीति के संबंध ने लोगों को एकता के सूत्र में, एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है, क्योंकि जाति के लोग जो दूर दूर से होते हैं समाज में पंचायत करते हैं, अपनी एकता के सूत्र में बंधते हैं। नंबर दो, जाति की राजनीति ने अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता भी पैदा की है। ये बात भी सही है कि जो सामाजिक सेवा के कार्य करने लगे हैं लोग जाति से जुड़ने के बाद, जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जाति का महत्व बढ़ा है जो राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से क्या थी, विहीन थी, जिनके पास पहले पैसे नहीं थे, उन जातियों का अधिक सक्रियता बढ़ी है। जातिवाद के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया है। समाज में देखो कितनी अच्छी बात है, सांस्कृतिक एकता की स्थापना हुई है। रुडोल्फ मोदे ने क्या कहा कि जाति राजनीति ने जातियों के मध्य मतभेद को कम किया है और विभिन्न जातियों के सदस्यों में समानता पाई है, यानी दो जातियों के मध्य जो विभिन्नताएं थी उनको कम किया है। ये रुडोल्फ महोदय कह रहा है कि दो जातियों के मध्य जो भिन्नता थी उनमें कमी पाई है। अब हम इसके नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक में D.R. गाडगिल ने कहा कि जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है। जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है। डॉक्टर R.C. वार्दम के अनुसार भूतकाल में जाति के चाहे जो भी लाभ हो, लेकिन आज प्रगति में क्या है, बाधक है। आज प्रगति में बाधक, प्रगति में, प्रगति के अंतर्गत बाधक हैं, प्यारे दोस्तों, क्या हैं, बाधक हैं। इसके अंदर भी हम चर्चा करेंगे, इसके भी 11 बिंदु हैं कि उनके ऊपर नकारात्मक, अभी हमने सकारात्मक प्रभाव पड़े थे, अभी हम इनके नकारात्मक के ऊपर चर्चा करेंगे। नकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे हम इनके। देखिए, कह रहा है कि बंधुत्व एकता की भावना को हानि पहुंचती है। देखो, राजनीति विज्ञान पीछे पढ़ रहे हैं हम, राजनीति के अंदर हम गुण भी पढ़ते हैं, दोष भी पढ़ते हैं, उसकी विशेषताएं भी पढ़ते हैं, हर पक्ष की हम चर्चा करते हैं, यानी बंधुत्व एवं एकता की भावना को क्या पहुंचती है, हानि पहुंचती है। जातीय अपने हितों के लिए क्या करते रहते हैं, संघर्ष एवं वैमनस्यता पैदा होती है, समाज में तनाव एवं संघर्ष का वातावरण होता है। जिस तरह से राजस्थान के अंदर गुर्जर आंदोलन के दौरान गुर्जर जाति व मीणा जाति के बीच कुछ क्षेत्रों में तनाव इसी का कारण है।
समाज, नंबर दो, समाज के वातावरण में अमन चैन एवं शांति की जगह संघर्ष एवं अशांति पैदा होती है। क्या होती है? संघर्ष एवं अशांति पैदा होती है। कई बार निर्णय से देश और समाज में अशांति पैदा हो जाती है। जाति के आधार पर कई बार चुनाव लड़ा जाता है। आगरा पर मतदान करना जाति का ही परिणाम है। जाति के आधार पर मतदान करने से योग्य व्यक्ति चुनाव आ जाते हैं। यानी जाति के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हो, आप में योग्यता क्या है ये नहीं देखा कि मैं उस जाति का हूँ जहाँ जिस जाति के लोग अधिक हैं, चुनाव लड़ लेते हैं। और मतदाता भी ऐसे प्रत्याशियों का मतदान कर देते हैं कि हमारी जाति का है। इससे बहुत बार योग्य व्यक्ति, दोस्तों, योग्य व्यक्ति का चयन नहीं हो जाता तो अयोग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है। जातिवाद भावना के कारण नागरिकों की श्रद्धा एवं भक्ति बट जाती है। देश के प्रति क्या हो जाती है? श्रद्धा और भक्ति बट जाती है। यानी देश के प्रति जो भक्ति होती है वो राष्ट्रीय हित की बजाय वो हर मामले में जाति से जोड़ने लग जाता है कि मेरी जाति का क्या होगा, जाति की भलाई के बात, यानी राष्ट्रीय हित की बजाय अपनी जाति को महत्व देने लग जाता है। जातिवाद के कारण राजनीतिक दलों का निर्माण भी जाति के आधार पर होने लग गया है कि हमारी जाति का एक अलग दल। इस तरह की सोच जातिवादी सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। इसमें वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। अल्पसंख्यक जाति या समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना होती है। स्वाभाविक रूप से कि जिस जाति की संख्या कम है उस जाति के लोग, अल्पसंख्यक या समुदाय, अपने आप को कमजोर या असुरक्षित महसूस करेंगे। सरकारें बड़ी एवं शक्तिशाली जातीय संगठनों के दबाव में कार्य करती हैं, अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपूर्ण समाज हित में निर्णय लेने से बचने का प्रयास करती है। यानी सरकार, कोई भी सरकार शक्तिशाली कितनी भी हो, वो किसी भी जाति को, बड़ी जाति को नाराज नहीं करेगी। कभी कभी जातीय संगठनों के आंदोलन या संघर्ष हिंसक रूप ले लेते हैं। जातीय लोकतंत्र भावनाओं के विरुद्ध होती है। वोट बैंक की राजनीति को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। MN श्रीनिवास ने क्या कहा कि परंपरावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह से प्रभावित किया है कि वे राजनीतिक संस्थाएं अपने मूल रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रही। यानी जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी वो अपने मूलभूत रूप से समर्थ नहीं है। एन गाडगिल ने क्या कहा? डी आर गाडगिल ने कहा कि क्षेत्रीय दबाव से कहीं ज्यादा खतरनाक बात यह कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में क्या सिद्ध हुआ? बाधक सिद्ध हुआ। ये भी एनवी गाडगिल कह रहा है कि वह बाधक सिद्ध हुआ। आप जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको, बेल आइकन उसको भी दबाएं, बेल आइकन को भी दबाएं। मैं आपका मनोज कुमार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान में, आपके लिए वीडियो ऐसे आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो किसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि बच्चों को इस कोरोना काल में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाए। जो हमारे पुराने वीडियो राजनीति विज्ञान के और अन्य विषय के भी मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। धन्यवाद। हे मेरा रे रंग गुलाबी, ओहे मेरा रंग गुलाबी। कट मिलेगी भाई गैलरी में, ये वो स्क्रीन रिकॉर्डर में मिल जाओगी।